अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, ईसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत किस टीवी धारावाहिक के पात्र हैं? ऑप्शन ए एफआईआर, बी पुलिस पब्लिक, सी सीआईडी या डी क्राइम पेट्रोल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। मंत्रिमंडल के विस्तार में खुद को नहीं चुने जाने से नाराज विधायक गोपाल मंडल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा जाति की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। लगातार चार बार से निर्वाचित होने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिलने से मायूस दिखे। इस बाबत उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके बड़बोलेपन के कारण उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि वे गंगोत्रा समाज से आने वाले नेता हैं और लगता है कि मुख्यमंत्री जात की राजनीति साधने को लेकर कम जानकार और पहली बार चुने गए विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। वहीं साथ ही गोपाल मंडल ने जद मुख्यमंत्री से मिलकर खुद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात को लेकर बात करने की बात कही। विधायक रहे, मजबूत भी जाने जाते हैं, क्या कारण है मंत्रालय नहीं मिल? देखिए भाई, चार बार विधायक बने सही बात है, लेकिन अगले बार तो मुख्यमंत्री ये कह के टाल दिए 2015 में, मतलब एक कम सीट है, खैर कोई बात नहीं है। ये तो लालू यादव के समय काल में, जो आरजेडी का समय काल था, उस टाइम में हमारे आदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और रामविलास पान, नीतीश कुमार सब उनके साथ थे, हमारा तो आधार बनता है। और उस टाइम में ब्रह्मदेव मंडल जी, ब्रह्मदेव बाबू हम लोगों के गार्जियन, ये जीते बिहपुर से, कोदरा छाप उनका चुनाव चिन्ह था, शायद कौन दल था नहीं था नहीं कह सकते हैं, उनको इख विभाग दिया। और महेश बाबू, महेश मंडल जी जीते यहाँ से कहलवा से, उनको दिया खाद आपूर्ति विभाग और कुछ दिया। दो बार वो बने, एक बार वो, तो आधार तो हमारा बनता है। और खास करके हम अपने स्वजाति में, हम अपने से क्या बोलेंगे, वरिष्ठ लोग हैं, चार बार जीते सही बात है, लेकिन जब समता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जो विलय हुआ जदयू में, जदयू के समय काल में एनडीए गठबंधन में हमारे चौबे बाबा को, उनको चौबे जी को ये बनाए मंत्री, ये नगर विकास मंत्री, और सुधा श्रीवास्तव दीदी थी, उनको बनाए उत्पाद मंत्री। जब सुधा श्रीवास्तव मर गई तो वो ख़त्म हो गए, चौबे जी जीत के चले गए, बक्सर जीतने के लिए चले गए, जीत के बस उसके बाद मंत्रालय खाली है। हमारा तो आधार बनता था, कहीं किंतु परंतु नहीं, और ऐसा कोई भूल नहीं किया, ऐसा कोई गलती नहीं किया। और हमको तो हमारा क्षेत्र ऐसा स्थिति है ना, ऐसा क्षेत्र है तो बरबुलिया तो बोलना पड़ता है, इसलिए बढ़ चढ़ के थोड़ा बोलते हैं, यही हमें कमी है। खट से जवाब देते हैं, कोई कुछ बोलता है मुँह पर जवाब देते हैं, यही हमें लाचारी है, बोलने में कसर करते नहीं। तो हमारा तो आधार बनता है, कहीं कोनो बात नहीं। अब क्या कारण बना कि हमको मंत्री नहीं बनाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने, आलाकमान तो वो है, हम लोग के गार्जियन हैं, सब दिन गार्जियन रहे हैं, और जब से चुनाव कोई पार्टी हमको सिंबल दिया नहीं, चार बार निर्दलीय लड़े, और दिया तो आदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बुला के समता पार्टी से दिया, 53,139 मत ला के चुनाव हार गए 2000 में, उसके बाद देते गए, लड़ते गए 2005 में जीत गए। उसी टाइम मंत्रालय बनाने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा था, मर्डर केस, झूठा मोटा मुकदमा था, तो नहीं बनाए, फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर 2010 में तुमको सचेतक बना दिए, 2015 में भी सचेतक रहे, तो सचेतक मंत्रालय से कम नहीं होता है, हारा फैसला सब फैसिलिटी वही, लेकिन विभाग नहीं है, खैर उसके लिए कोई दुख नहीं। तो बात हमको तो बनना चाहिए था, हमको आश्वासन मिला था, लेकिन अब घर के गार्जियन हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या कारण बना नहीं बना, हमको हो सकता है हमसे कोई भूल हुआ हो, या उस लायक हमको नहीं समझते होंगे, मंत्रालय संभाल पाएंगे नहीं संभाल। अब जो है मुख्यमंत्री गए हैं,
कल ही निकल गए, कल ही भेंट करने वाले थे। नड्डा साहब से दिल्ली में मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले। अब मिल के आते हैं तो हमको मालूम होगा, जैसे तो वैसे जाएंगे मुख्यमंत्री से पूछेंगे। सर, जिस तरह से नए युवा को इसमें मंत्रालय पद मिल गया, नए विधायक बने हैं, आपके इतना ज़्यादा जानकार भी नहीं होंगे राजनीति में, फिर भी उन्हें मंत्रालय मिल गया, क्या कहें? देखिए बतवा ये है, हम लोग तो इनका है ही है, वो सोचते हैं कि इस जाति से बना दे, ये जात हमारा हो जाएगा। हम लोग तो इनका है ही, इनका सपोर्ट, इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमको पछता नहीं है, भले एनडीए गठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल में हम जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? इनके अलावा कहाँ जाएंगे? चाहे मंत्रालय दे या नहीं दे, हम सच्चा सिपाही हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और काम करते हैं पार्टी के लिए। अगर हम पूछ लेते हैं, अगर बनाने वाला होगा तभी तो चार मंत्रालय की पांच मंत्रालय है उनके पास, दे भी सकते हैं, अगर नहीं देंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष से मिल के कल आए, उनको कहें प्रदेश अध्यक्ष जी, आप हमको किसान सेल का प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ का ये अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा, हम बिहार का राजनीति करेंगे, ये हमारा सोच, हमको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन आखिर कट किसे गया? हम बोलते थे रास्ते में बॉडीगार्ड सबको, जो हमारे सहयोगी साथी थे, देखिए भाई एक ही प्रकार का अगर फाटक रहता है ना, एक ही प्रकार का दरवाज़ा, तो जिस दरवाजे में जाना चाहिए उस दूसरे दरवाजे में घुस जाता है, हो सकता है नहीं भी मिले, ये मन में खटक रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है मिलेगा, लेकिन देखिए आते हैं तो मिलते जुलते हैं, क्या कहते हैं, नहीं तो तब भी। दशहरा का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9660948177 9992499821। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार के विकास को लेकर मंत्रियों को कार्य करने की दी नसीहत। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। एक और कांग्रेस नेता जहां सभी मंत्रियों को मिलजुल कर बिहार के विकास के लिए कार्य करने की बात कही, तो दूसरी ओर विकासशील पार्टी और हम पार्टी को नए मंत्रिमंडल में स्थान नहीं देने को एनडीए का मसला करार दिया। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने सैयद शाहनवाज हुसैन को प्रदेश का उद्योग मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में भी एग्रो बेस्ड कारखाने लगवाकर बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री का ही चलता है, का अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसको बनाना नहीं बनाना, क्या सोच के बना रहे हैं, वो तो वो जवाब देंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो भी आज नाराजगी की बात कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले बिहार की जनता ने उन्हें जिता के विधानसभा में विधायक के तौर पर भेजा है। उनका काम है कि आवाज़ जनता की बनिए और सारे अपने अपने क्षेत्र का बिहार का विकास करने में लगिए। अरे कौन बना नहीं बना, पहले भी बहुत मंत्री लोग बने हैं, लेकिन चला किसका सिर? माननीय मुख्यमंत्री का चलता है पूरे बिहार में। और अभी मैंने शताब्दी वर्ष में मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया हूँ कि आप पार्टी से ऊपर उठ के सबों को, जो भी विधायक आवाज़ उठाते हैं जनता के हित में, उसको आप करने का काम कीजिए। अभी अभी क्या है कि युवकों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। अभी मंत्री कौन बनता है नहीं बनता है, वो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये तो पार्टी का आंदोलन मामला है। भाजपा अपना बताए कि उन्होंने किसको बनाया नहीं बनाया, जदयू बताए कि उसने बनाया कि नहीं बनाया, शहनी से और ये जो हैं आपके मांझी जी से क्यों नहीं बनाया, कि ये सब उन लोग का आंदोलन मामला है। लेकिन फिर से आपके माध्यम से मेरा आग्रह है, ये सब जो मतभेद है आपस में नेताओं से बात करिए, जनता आपकी ओर टकटकी निगाह से देख रही है। आप सिर्फ मंत्री बनने की बात करते हैं और विकास नहीं होता, तो जनता इसका सवाल आपसे करेगी। इसलिए आपसे आग्रह है, सब लोग मिलजुल के बिहार का विकास करें, युवकों को रोजगार दिलाएं। और अभी जो बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय शहनवाज जी जो हमारे भागलपुर से, चूंकि मैं CLP लीडर जरूर हूँ लेकिन भागलपुर से विधायक भी हूँ, सांसद रहे हैं, उद्योग मंत्रालय दिया गया, जो मेरी आवाज़ है हर
जिले में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खोल के आप रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप रोजगार देते हैं तो आप केंद्रीय में नेता थे, मंत्री रहे हैं, आपकी समझ अच्छी है और आप बिहार को जानते हैं और भागलपुर जिला में आप रहे हैं सांसद, इसलिए आप युवकों को रोजगार देने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, चाहे वो मकई का हो, गेहूं का हो, धान का हो, केला का हो, लीची और इसके लीची आम का हो, सभी दलहन का हो, सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लग सकते हैं और उससे किसानों को भी सही कीमत मिलेगा और युवकों को रोजगार मिलेगा। गोपालपुर समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन मनाई गई। इस मौके पर नौगछिया भाजपा के प्रभारी अभय बर्मन ने 2014 की भाजपा की व्याख्या, सोशल मीडिया व भाजपा एक विचार परिवार की अवधारणा से भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। वहीं मौके पर मौजूद भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर पूर्व सांसद अनिल यादव, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, जिला महामंत्री आलोक कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह, मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष नीलेश सिंह, रोशन राय, महामंत्री रंजीत झा, चंदन कुमार भगत, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता देवी सहित बड़ी संख्या में भाजपाइयों की मौजूदगी देखी गई। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया डिलीवरी बॉय लूट कांड घटना का पीड़ित ही निकला मास्टरमाइंड। डिलीवरी बॉय के बहनोई के घर से पुलिस ने कथित रूप से लूटे गए सभी सामानों को किया बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशु राउत पुल पहुंच पथ पर श्रीपुर के पास पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की सुबह इकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय से हुई लूटकांड की घटना में पीड़ित डिलीवरी बॉय परबत्ता थाना क्षेत्र के गरिया निवासी प्रियतम कुमार ही मास्टरमाइंड निकला। लूटकांड के बाद जब पुलिस ने छानबीन प्रारंभ किया तो कांड की पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली गई और अंततः लूटकांड का मास्टरमाइंड प्रीतम कुमार सलाखों के पीछे जा पहुंचा। नवगछिया पुलिस ने प्रीतम कुमार के बहनोई रूपौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया निवासी अनिल मिस्त्री के घर से लूटे गए कुल 26,000 एवं 3 मोबाइल को बरामद किया है। प्रीतम उर्फ प्रियतम ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी को चूना लगाने के लिए लूटकांड की एक भ्रामक घटना को अंजाम दिया। वहीं इस बाबत नवगछिया के थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रीतम ने खुद ही लूट की घटना की साजिश की थी जिसे पुलिस ने 24 घंटे में ही बेनकाब कर दिया। पुलिस को प्रीतम के बहनोई ब्रह्मदेव मिस्त्री की भी तलाश है। घटना के उद्भेदन में थाना अध्यक्ष नवगछिया शैलेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार दुबे एवं पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार समेत पुलिस बलों की भागीदारी रही। नवगछिया आयशा और इंकलाबी नौजवान सभा 1 मार्च को करेगा विधानसभा का घेराव। नवगछिया में शिक्षा रोजगार अधिकार यात्रा सभा एवं 1 मार्च को विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए इंकलाबी नौजवान सभा ने बैठक आयोजित की। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में छात्र नौजवान को 14 फरवरी को नवगछिया में आयोजित शिक्षा अधिकार रोजगार यात्रा सभा एवं 1 मार्च विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के तमाम छात्र युवाओं ने रोजगार की मांग को केंद्रीय सवाल बनाया था। NDA 19 लाख रोजगार का वादा कर सत्ता हासिल किया है लेकिन अब वह रोजगार पर किए गए वादे को भूल गई है। यहां तक कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में रोजगार शब्द का प्रयोग करने से भी परहेज किए गए। इस बार बिहार के छात्र नौजवान 19 लाख रोजगार के वायदे को जुमला नहीं बनने देंगे, इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रहेगा। वहीं बैठक में विष्णु कुमार, विनोद कुमार, कुमोद कुमार, निरंजन छंगुरी, रविंद्र कुमार रवि, मिथुन प्रशांत, विमल धर्मेंद्र सहित दर्जनों छात्र युवा मौजूद थे। सुंदरम अहुन
सोना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया वाहन चेकिंग के दौरान 14 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान और मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस जिले के थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 14 दोपहिया वाहन को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के कारण पकड़ा गया। पकड़े गए वाहनों से कुल 11,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं मास चेकिंग अभियान में 62 लोगों को पुलिस ने सार्वजनिक स्तर पर गतिविधि करते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों से कुल 3100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया के धोबिनिया में भतीजे ने घर बुलाकर चाची के मुंह में मार दी गोली, मौके पर ही हो गई मौत। नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया गांव में गुरुवार की देर शाम जमीन विवाद में भतीजे ने अपनी ही चाची के मुंह में गोली मारकर जान ले ली। मृतिका धर्मवीर यादव की पत्नी गुड़िया देवी 42 वर्षीय है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे नवगछिया थाने के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों और परिजनों से सूचना मिली है कि धर्मवीर यादव गुड़िया देवी के दूसरे पति हैं। गुड़िया के पहले पति जाले यादव की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। इसके बाद पिछले साल दशहरा के दिन गुड़िया देवी ने अपने चचेरे देवर धर्मवीर यादव उर्फ गुड्डू यादव से शादी कर ली थी। परिजनों ने बताया कि जाले यादव के हिस्से की 3.5 बीघा जमीन पर गुड़िया देवी के भैंसुर जवाहर यादव और उनके लड़के ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार जाले यादव की जमीन पर गुड़िया के दूसरे पति धर्मवीर यादव ने बुआई कर दी थी। यही बात गुड़िया देवी के भैंसुर और उनके पुत्रों को पच नहीं रहा था, अक्सर विवाद का माहौल रहता था। धर्मवीर यादव ने बताया कि गुरुवार की देर शाम जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया को अपने घर पर बुलाकर झगड़ा करने लगा और इसी क्रम में आक्रोशित होकर जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया देवी के मुंह में गोली मार दी। धर्मवीर यादव का आरोप है कि जवाहर यादव के 3 पुत्रों विकास यादव, मिथुन यादव, मृत्युंजय यादव, ग्रामीण राजीव यादव, साजो यादव, अजय यादव, बन्नो यादव और जवाहर यादव का नाती कमलाकुंड निवासी सचिन यादव ने मिलकर गुड़िया देवी की हत्या कर दी है। वहीं घटना के बाबत नवगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि मामला जमीन विवाद का है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर चुकी है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा ने दे दी अपनी जान। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के महाराज मंडल टोला के कारकुन मंडल की 12 वर्षीय पुत्री रूपा कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में जान चली गई। गुरुवार को पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर सबको परिजनों को सौंप दिया है। घटना की बाबत रंगरा पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतका के परिजनों ने कहा कि रूपा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद हो जाने के बाद वह घर पर रहकर पढ़ती थी और गांव में ही एक शिक्षक के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। मृतका के पिता ने कहा कि दोपहर को रूपा ट्यूशन पढ़कर घर आ चुकी थी। घर के लोगों से ही पता चला कि रूपा ने गले में फंदे डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि रूपा बांस के सहारे लटक रही थी। आसपास के लोगों के सहयोग से रूपा को उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। पिता का कहना है कि रूपा पढ़ने में काफी कमजोर थी, जिस कारण वह टेंशन में रहती थी। वहीं पिता का कहना है कि टेंशन के कारण ही उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है। वहीं इधर कई ग्रामीण ने अपना नाम व पता नहीं छापने के शर्त पर बताया कि घटना का कारण प्रेम प्रसंग है। बहरहाल रंगरा पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, जो सच्चाई है उसे जरूर सामने लाया जाएगा। नवगछिया मद निषेध विभाग ने छापेमारी कर 53 लीटर शराब किया बरामद, एक गिरफ्तार। मद निषेध विभाग एवं नवगछिया पुलिस इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान 53 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर्वप्रथम मद निषेध विभाग की टीम के द्वारा नवगछिया के नोनिया पट्टी में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नंदा ऋषि देव,
के घर से टीम ने 49 लीटर चुलाई शराब बरामद किया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान नंदा ऋषिदेव मौके से फरार हो गया। इसके बाद टीम के द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुकटिया बाजार में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने सुकटिया बाजार के रतनगंज से 4 लीटर देसी शराब बरामद किया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब कारोबारी रतनगंज निवासी जितेंद्र कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले निःशुल्क नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। रंगरा नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने चलाया जनसंपर्क। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रंगरा के द्वारा सत्र 21-22 में छात्राओं के नामांकन के लिए अभियान चलाया गया। इस क्रम में मुरली, बनिया और भवानीपुर में जनसंपर्क किया गया। इस क्रम में वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालक नरेंद्र कुमार, वार्डन लता मिश्रा, कुमारी प्रियंका, सिंधु कुमारी, आदेश पाल, संजीव कुमार भ्रमण टीम में शामिल थे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले निःशुल्क नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन कोमल होटल, स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।